नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा। मौजम वक्त हो गया है मध्य प्रदेश की महाडिबेट का, जिसमें आज बात राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की। कल से यानी कि 2 मार्च से मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की यात्रा प्रवेश करेगी। अब सवाल यह है कि क्या इस यात्रा से कांग्रेस को जीत मिलेगी। लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की थी। यात्रा के जरिए राहुल गांधी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरैना से मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी। इस दौरान राहुल गांधी रोड शो करेंगे, जनसभाओं को संबोधित भी करेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने का काम भी इस यात्रा के जरिए किया जाएगा, ताकि चुनाव में पार्टी को उसका फायदा मिल सके। विधानसभा चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी, लेकिन कांग्रेस को इसका कोई फायदा नहीं मिल पाया था। मध्य प्रदेश समेत राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी का कहना है कि यात्रा का मकसद भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो है। एमपी से कांग्रेस पूरी तरह साफ होने जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि देश की जनता को न्याय दिलाने के लिए यात्रा है ये। कांग्रेस की यात्रा चुनावी नहीं है, बल्कि जनता को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली जा रही है। गांधी जी, ये हमेशा इनकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा हाई रहती हैं, और इनकी जो ये एक्सपेक्टेशंस ये लेकर चलते हैं भारत जोड़ो यात्रा और इस तरह की यात्राएं निकालते हैं, वो भारत जोड़ो नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा का काम करती है। पिछली बार ये आए थे तो इन्होंने जाति का कार्ड खेला था। इस अन्याय के खिलाफ कौन आवाज उठाएगा? इसके खिलाफ कांग्रेस आवाज उठा रही है, और कांग्रेस इसी की न्याय यात्रा, इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की यात्रा है। लोग न्याय मांगेंगे, क्यों नहीं मांगेंगे? लोगों को रोजगार चाहिए। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देने का वादा किया था, अब तो गारंटी की भी गारंटी है, ऐसा खुद मोदी जी कह रहे हैं। तो ये गारंटी पूरी करिए, 2 करोड़ लोगों को दीजिए नौकरी। तो राहुल गांधी की यात्रा से कितना फायदा मिलेगा, फिलहाल इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले निकाले गई यात्रा से कांग्रेस को सियासी तौर पर तो कोई फायदा नहीं मिला। 3 राज्यों में उल्टा कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन आज की ये महाडिबेट किन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी, वो महासवाल जो है, बड़े सवाल, वो आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। पहला सवाल है, चुनाव में कांग्रेस को क्या यात्रा से सहारा मिलेगा, ये रहेगा हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल क्या है वो देख लेते हैं, क्या राहुल गांधी की यात्रा से बात बनेगी, ये है दूसरा सवाल आज की महाडिबेट का। तीसरा सवाल क्या है वो भी देख लेते हैं, विधानसभा में हार, लोकसभा में होगा कितना फायदा। तो आज की महाडिबेट इन सवालों के इर्द गिर्द रहेगी। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई देंगे अब से थोड़ी देर में हमारे खास मेहमान जो जुड़े हुए हैं हमारे साथ इस पैनल में। हमारे साथ जुड़े हुए हैं यश भारतीय जी, एसपी प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आर के शुक्ला हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मिथुन अहिरवार जी अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, राजेंद्र सिंह हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, और साथ ही मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर रुद्र विक्रम सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ही। मिथुन अहिरवार जी से अगर यहाँ वो जुड़ चुके होते तो पहला सवाल उन्हीं से होता, लेकिन कोई बात नहीं, साथी है उन्हीं के यश भारतीय जी। यश भारतीय जी, कल से राहुल गांधी की यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर रही है। बीजेपी का आरोप है, या बीजेपी सीधा कह रही है कि ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा है। देखिए, यात्राओं की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, हम यात्राओं की तुलना करते हैं। एक सोमनाथ से यात्रा लेकर के लालकृष्ण आडवाणी जी चले थे, और उस यात्राओं में उन्होंने साफ कहा था कि कोर्ट तय करेगा, और कोर्ट को ही कट करे में खड़ा किया। अंत में क्या हुआ, सबने कोर्ट की बात मानी, किसी तरीके कोई उपद्रव नहीं या किसी तरीके कोई मनमुटाव किसी भी धर्म में किसी समाज में नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने यात्राओं के माध्यम से, चुनावी वादों के माध्यम से लगातार समाज को दूषित करने का काम किया, भेदभाव बढ़ाने का काम किया। तो एक यात्रा वो हमने देखी है, एक यात्रा हम ये देख रहे हैं राहुल गांधी जी की।
इससे पहले वाली जो यात्रा थी जिसके लिए कहा जाता था कि वो यात्रा जो है वो कांग्रेस पार्टी की नहीं है, उसमें बहुत सारे सामाजिक संगठन, समाज के लोग सब मिलकर के आए, हाँ ये बात जरूर थी कांग्रेस उसमें निर्णायक भूमिका में है, लीडिंग रोल में है, तो कांग्रेस पार्टी के लोग मान रहे थे। अभी न्याय यात्रा जो है ये पूर्व तरीके से कांग्रेस पार्टी की यात्रा है, न्याय के लिए है, जो अन्याय चल रहा है चाहे वो आरक्षण का हो या अन्य चीज़ों का हो, मणिपुर से उन्होंने शुरू किया तो मणिपुर की जो बातें सामने आई है। आज ही एक फैसला आया है जबलपुर हाई कोर्ट का, अगर हम उसको देखें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लगातार रही है और ओबीसी आरक्षण का हमेशा रोकने का काम किया है, केवल दिखावे के लिए देने की बात करते रहे। आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, जो अधिवक्ता ठाकुर साहब वहां पे लड़े हैं ओबीसी संगठन की तरफ से लगातार मांग करते रहे, तो कोर्ट ने कहा कि हमने कभी भी 13% को होल्ड करने की बात नहीं कही, तो फिर ये होल्ड क्यों रखा गया ओबीसी को, ये ओबीसी की नौकरियां को क्यों रोकने का काम किया? तो ये जिस तरीके का अन्याय भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि न्याय मांगने के लिए सड़क पे उतरना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा और जनता से मांग करनी पड़ेगी। ये सरकार तो सोई हुई है और गुमराह कर रही है लोगों को अपने हक अधिकार के लिए। राजेंद्र सिंह जी, सरकार सोई हुई है तो सड़क पर उतरना ही पड़ेगा न्याय मांगने के लिए, और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस को फायदा होगा ही और शायद सरकार आपकी जाग भी जाए। राजेंद्र सिंह जी, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? आप म्यूट तो नहीं है? नहीं, आप म्यूट कर लीजिए। जी जी सर, बोलिए। आपको आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। अपर्णा जी, सबसे पहली बात तो यह है कि राहुल गांधी जी ने जो यात्रा विधानसभा के पहले भी यात्रा की थी और कांग्रेसी काफी उत्साहित थे किसी यात्रा के बाद हमारी सरकार बनेगी। हमने देखा कि मध्य प्रदेश की 22 विधानसभा क्षेत्रों से माननीय राहुल गांधी जी की यात्रा गुजरी और उसमें से 18 सीट जो है कांग्रेस हारी है, जबकि उनमें से ज्यादा सीटों पर कुछ सीटों पर तो पहले कांग्रेस के विधायक थे, उनका भी बंटा डाल हो गया विचारों का। तो एक तो आपके तीन प्रमुख सवाल थे, तो इससे ये समझ आता है कि राहुल गांधी जी की जो स्वीकारता है आम जन में वो कितनी है। उनके जाने के बाद उनके जो चाहे बुरहानपुर के हों, इंदौर के हों, उज्जैन के हों या आगर के हों, जो सिटिंग एमएलए थे वो भी चुनाव हार गए। तो एक तो ये स्वीकारता की बात हो गई। दूसरी चीज, मेरे मित्र भारतीय जी कह रहे थे कि जागरूक करने के लिए मणिपुर, तो अभी पश्चिम बंगाल क्यों नहीं जा रहे हैं राहुल गांधी जी, एक सवाल ये भी है। दूसरी चीज ये है कि यात्रा शुद्ध रूप से न्याय यात्रा के नाम पर एक राजनीतिक यात्रा की जा रही है, जिसका कोई भी प्रतिफल कांग्रेस को इसलिए नहीं मिलेगा कि कांग्रेस अभी जिस स्थिति में है, आप और हम रोज देख रहे हैं कि पार्टी पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ तो न्याय कर ले। आपके हिमाचल के विधायक कह रहे हैं कि हम सरकार से असंतुष्ट हैं, हमारे साथ नेतृत्व का न्याय नहीं हो पा रहा है। यूपी के विधायक कह रहे हैं कि हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। तो जब पहले कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं कर पा रही है जो पार्टी, उसका प्रमुख जो है न्याय यात्रा पे निकला हुआ है, पहले अपने कार्यकर्ताओं के साथ न्याय करें, उनकी मेहनत के साथ न्याय करें, तो ये हो नहीं रहा है। उनके संगठनात्मक, हालांकि वो उनका निजी मामला है, उनके संगठन का मामला है, लेकिन फिर भी आमजन जो देख रहे हैं कांग्रेस के नेताओं की लगातार जो कांग्रेस छोड़ने की परंपरा चली आ रही है, उससे ये समझ आ रहा है कि कांग्रेस नेतृत्व कितना कमजोर और लचर हो चुका है। चुनावी बबल बच चुका है और वहां पर अभी प्रत्याशियों के लिए बड़े बड़े नेताओं से जब बात की जाती है तो वो कहते हैं कि हमें चुनाव नहीं लड़ना है। तो कांग्रेस के सामने चुनाव जीतने से बड़ी बात है प्रत्याशी चयन की। उनके कोई भी बड़े नेताओं जिनसे बात हुई, आपके वरिष्ठ पत्रकार लोगों ने बात की, ज्यादातर बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो ये एक वातावरण बन गया है, क्योंकि वो जानते हैं कि जनता में कांग्रेस की स्वीकार्यता खत्म हो गई है। अच्छा, मध्य प्रदेश के अंदर जो है 29 की 29 सीट कांग्रेस को खोना तय है। भारतीय जनता पार्टी की 29 की 29 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा है उसमें हम सफल होंगे, उसके लिए संगठनात्मक रूप से कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। आर्यश भारती जी, एक मिनट, सबको पहले शामिल कर लेते हैं। ठीक है राजेंद्र जी। डॉक्टर शुक्ला, कांग्रेस की स्वीकार्यता अब खत्म हो चुकी है, तो दिग्गज भी चुनाव लड़ने से परहेज कर रहे हैं, बचना चाह रहे हैं, लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा से कांग्रेस के जो नेता हैं उन्हें उम्मीद है, संगठन को उम्मीद है। अब आपका आकलन क्या कहता है, एन चुनाव से पहले इस यात्रा का पहुंचना मध्य प्रदेश या अलग अलग राज्यों में क्या पार्टी को फायदा दिला पाएगा?
देखिए, इस प्रकार की राजनीतिक यात्राओं से किसी भी पार्टी को, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, निश्चित रूप से फायदा तो होता है। आम जनता के बीच में पार्टी का नैरेटिव जाता है, उस पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार होता है, और जो थोड़ी बहुत या अधिक लेवल पे गुटबाजी है उसको भी कहीं ना कहीं विराम मिलता है। लेकिन मूल प्रश्न ये है कि न्याय यात्रा से मध्य प्रदेश को क्या फायदा होने वाला है। मुझे लगता है कि जब तक न्याय यात्रा में आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि जनता के साथ क्या अन्याय हो रहा है, और अगर आपको जनता मौका देती है तो उस अन्याय को आप कैसे दूर करेंगे। आपको आरोपों के साथ साथ विकल्प भी पेश करना पड़ेगा, ना कि सिर्फ आरोप लगा के हम दूसरे फ्रंट पे खेलने लग जाएं। राजनीतिक पार्टियों के लिए, जी हाँ, राजनीतिक पार्टियों को एक स्टैंड लेना पड़ेगा, उस स्टैंड पे कंटिन्यूअसली खड़े भी होना पड़ेगा, तभी आपकी जनता के बीच में छवि बनेगी। अन्यथा आज आपने एक मुद्दा उठाया, कल आपने दूसरा मुद्दा उठाया, चुनाव आपकी सरकार बन गई तो आप दोनों मुद्दों को भूल गए। आप स्टैंड क्लियर करें, उस पर उसको कंटिन्यू करें, तब कहीं जाके जनता के बीच में आपकी छवि बनेगी और जनता का पुनः आपको समर्थन मिल सकता है। ठीक है रुद्र जी, सवाल ये भी कि जितने अभी कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं जो भगदड़ मची हुई है कांग्रेस के अंदर, उसमें हालांकि अलग अलग पार्टी में भी नेता छोड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की मुख्यतः बात कर लेते हैं, जो भगदड़ मची हुई है उसमें जो कोई जा रहा है वो ये कह रहा है कि आलाकमान तक हम शिकायतें पहुंचा रहे थे, सुनवाई हो नहीं रही थी, तो अपने ही लोगों को जो न्याय नहीं दिला पाए, अगर वो इस तरह की न्याय यात्रा निकालने की बात करते हैं तो कितना प्रासंगिक हो जाता है। देखिए, राहुल जी और कांग्रेसी जितने हैं उन लोगों के लिए एक बड़े शायर की एक शायरी बड़ी सटीक बैठती है कि डर हमको लगता है रास्ते के सन्नाटे से, पर एक सफ़र पर ऐ दिल अब हमको जाना ही होगा। तो ये जो न्याय यात्रा या जो भी यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, मुझे लगता है कि लगभग 20 वर्ष वो पीछे हैं, जब 2004 में राजनीति की शुरुआत की थी। देखिए, यात्राएँ कभी भी आपको हानिकारक नहीं होती, यात्राएं हमेशा आपको, ये राहुल गांधी आप ये मत सोचिए कि ये किसी अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं या फिर चुनाव जीतने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल गांधी को भी पता है कि वो यात्रा क्यों निकाल रहे हैं, वो भारत की जो उसको समझ नहीं पाए थे भारत को, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी, और ये अच्छी बात है अगर आप किसी देश में राजनीति करना चाह रहे हैं, क्योंकि आपका पालन पोषण यहाँ नहीं हो पाया था, आप यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं रह पाए थे, लोगों के बीच नहीं जा पाए थे। आज भी बड़े से बड़ा नेता, जो आपने सवाल पूछा कि बड़े से बड़ा नेता आलाकमान तक, जबकि आप सत्ता में नहीं है, सिर्फ 2-3 राज्यों में महज आपकी सरकार है, उसके बावजूद भी बड़े से बड़ा नेता आप तक नहीं पहुँच पाता, आप तक अपनी बात नहीं पहुँच पाता, और यही वजह है कि कहीं आपकी सरकार गिर रही है, कहीं आपके विधायक छोड़ के जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है। तो ये राहुल गांधी लगभग 20 वर्ष पीछे हैं, अगर इनको ये 2004 में अगर इन्होंने यात्रा निकाली होती तो आज राहुल गांधी आज बहुत एक समझदार और एक परिपक्व नेता के तौर पर उभर चुके होते और शायद कहीं ना कहीं मोदी के टक्कर दे रहे होते। लेकिन अब जैसा मैंने कहा कि 20 वर्ष पीछे हैं, तो लगभग इनको 10-15 वर्ष कम से कम इंतजार करना होगा सत्ता में आने के लिए, अपनी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए। तो ये यात्रा अच्छी बात है, और जब देखिए, जब एक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व 3:30 बजे रात में बैठ के ये मंथन कर रहा है कि किसको टिकट दी जानी चाहिए, किसको टिकट नहीं दी जानी चाहिए, उस समय आप जाके कैम्ब्रिज में लेक्चर दे रहे हैं, आप न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये देखिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी होती है पॉलिटिक्स में। अगर आपकी टाइमिंग नहीं है पॉलिटिक्स में, अगर आप टाइमिंग नहीं समझ पा रहे हैं तो आप राजनीति छोड़ दीजिए, आप इस तरीके की यात्राएं निकालिए, और इस तरीके की शायद आप अपनी जो पार्टी है कम से कम पार्टी को आप ठीक ठाक से कर लीजिए, अपने जितने नेता बचे हैं, जितने विधायक बचे हैं, कम से कम उनको आप अगर उनसे मिलना जुलना शुरू कर दीजिए, तो एटलीस्ट आपकी जो छवि है, एटलीस्ट आपकी जो नेता छोड़ के भाग रहे हैं, कम से कम वो बच रहे हैं। ठीक है, टाइमिंग मैटर करती है। मिथुन अहिरवार जी हमारे साथ फोन पर जुड़ गए हैं। मिथुन जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी नमस्कार, आपको आवाज मिल रही है? जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। मिथुन जी, कल राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पहुंच रही है, हम समझ रहे हैं कि कांग्रेसी जो स्पेशली एमपी कांग्रेस के तमाम नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आपकी जैसे वफादार सिपाही हैं, बहुत बिजी होंगे, तो कितनी उम्मीदें हैं और संगठन की तैयारी क्या है? देखिए, तैयारी बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि होनी चाहिए चुनाव के पहले भी, और जैसी कि होनी चाहिए एक राष्ट्रीय दल की जिम्मेदारी जैसी होती है। तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भारत जोड़ो यात्रा, सबसे पहले के भाजपा के जो साथी हैं दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लें, जहां भारत जोड़ो यात्रा जो है वो यात्रा थी भारत को जोड़ने के लिए, वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक न्याय की यात्रा जो है
इस यात्रा में हम बात कर रहे हैं भारत के लोगों को, जिस न्याय से भारतीय जनता पार्टी लगातार वंचित रख रही है, उनसे किए हुए वादे जो है उनको पूरा नहीं कर रही है। और कुछ साथियों ने कहा राहुल गांधी जी जो है 20 साल पहले की बात कर रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा एक टर्म होता है अहेड ऑफ हिज टाइम। तो राहुल गांधी जी आज से 20 साल आगे चल रहे हैं, वो भारत की जो आवश्यकताएं हैं उनको आज समझ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी की नजरों पर सत्ता का जो चादर चढ़ा हुआ है इसलिए वो जन आकांक्षाओं को नहीं समझ पा रही है। इसलिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए इस देश के लोगों के साथ जो ऐतिहासिक अन्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कर रही है, उस न्याय के लिए वे उस यात्रा को निकाल रहे हैं। पिछली यात्रा का जो लोग जिक्र कर रहे हैं और चुनाव परिणामों की बात कर रहे हैं, पिछली यात्रा तो राजनीतिक थी ही नहीं, इस यात्रा में जरूर राजनीतिक न्याय एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। और जो लोग हार की बात कर रहे हैं वो ये तो बताएं, एक दर्जन आपके मुख्यमंत्री हार गए, और अगर हार जीत से इतना फर्क पड़ता है तो आपके शिवराज चौहान तो चुनाव जीत गए थे, तो वो जो हैं वो उनको आपने मुख्यमंत्री बनाया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के तर्क समय समय पर बदल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए आपने जो वादे थे उनका क्या हुआ। 2 करोड़ रोजगार की बात कही थी, 20 करोड़ रोजगार आज तक मिल जाने चाहिए थे। मध्य प्रदेश में ही अकेले 40 लाख यदि बेरोजगार है तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो इनको न्याय कौन देगा? उनकी आवाज को उठाने के लिए राहुल गांधी जी ये यात्रा निकाल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बेटियों से लगातार जो अन्याय अत्याचार बलात्कार हो रहा है उनको न्याय दिलाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। इस देश के दलित पिछड़े आदिवासी देश के जो टॉप 90 अफसर है उसमें उनका प्रतिनिधित्व नहीं, उनको लेकर के जो न्याय है उसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि जब सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया जाता है तो 8 लाख तक कमाने वाले व्यक्ति में अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के लोग, इनका प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है, उनके साथ न्याय क्यों नहीं है, इस बात को लेकर के यात्रा निकाली जा रही है। लगातार राहुल गांधी जी न्याय को लेकर के अपनी बात सामने रख रहे हैं और इस न्याय यात्रा के माध्यम से भी जनता का अपार जन समर्थन उनको प्राप्त हो रहा है। ठीक है ठीक है, आपका सवाल लेकर जाऊंगी मैं राजेंद्र सिंह जी के पास, बीजेपी प्रवक्ता है। लेकिन यश भारती जी आप बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, आप भी अपना बात ऐड कर लीजिए फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। देखिए मेरी वही बात, मेरा कांग्रेस पार्टी के लिए कहना नहीं चाहिए था, लेकिन आपने सवाल मुझसे कहा था इंडिया गठबंधन के नाते, वही बात मिथुन भाई ने भी दोहराई है कि पहली यात्रा जो थी वो कांग्रेस पार्टी की नहीं थी यात्रा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग राजनीति इतनी ज्यादा करते हैं कि हर चीज को राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, और जब बात आती है तो ये कहते हैं कि राजनीति नहीं देखनी चाहिए। अब बात वही है, मैंने अगर ओबीसी आरक्षण की बात कही है तो ये ओबीसी आरक्षण पे जवाब दे दें, बेहतर रहेगा। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी कोई भी यात्रा कर रहे हैं, आप सरकार में है, सरकार से डिलीवर क्या कर रहे हैं? मैं हर मंच पर इनसे सवाल करता हूं लेकिन ये लोग समझ गए आपकी बात। निर्णय आया है जबलपुर कोर्ट का निर्णय के बारे में। दूसरी बात, एक अपर्णा जी, राहुल गांधी है कौन? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नहीं है, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में क्या हैसियत रखते हैं? कौन सा कार्यक्रम चला रहे हैं जनता को जोड़ने के लिए, जनता को बेहतर के लिए? माला पहनने तक के लिए तो तरस जाते हैं उनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष। कुर्सी पर कैसे बैठना, वो भी हाथ पकड़ के गृहमंत्री बैठा देते हैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो ये जो चलता है ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर चलता है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी तो हर पार्टी के अंदर है, क्योंकि जिस आपने जिक्र किया राहुल गांधी के पास कोई पद नहीं है, उसके बावजूद भी हाथ पकड़ के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर आपने राहुल गांधी के कार्यक्रम को अंजाम देने में लगी हुई, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ तो है, चाहे उनके पास पद हो या ना हो। खैर, राजेंद्र सिंह जी सत्ता में आप हैं लेकिन तब भी न्याय नहीं दिला पा रहे किसी को भी नहीं। जो नौकरी की जिनकी बात की थी आपने, उनको रोजगार नहीं दिया। इसके अलावा तमाम जो बातें गिनवा दी है मिथुन जी ने भी और यश भारती जी ने, ये बता दीजिए यहाँ पर सीधा कांग्रेस ये कह रही है कि आप न्याय नहीं दिला पाए सत्ता में होने के बावजूद, इसलिए राहुल गांधी को न्याय यात्रा निकालनी पड़ी है। तो मैं तो यश भारती जी से पूछना चाहता हूँ, चीज के लिए पहले पूछना है कि राहुल गांधी क्या है। राहुल गांधी कांग्रेस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसके सीईओ है, वो पद पे है। अगर हमने 10 साल मनमोहन सिंह की एनडीए सरकार में देखा था कि वहां प्रधानमंत्री की क्या हैसियत थी, तो आप बात कर रहे हैं, और सोनिया गांधी जी के दरबार से यही राहुल गांधी प्रधानमंत्री के अपमान में बिल फाड़ के मुंह पे फेंक दे रहे थे, उस दिन उनकी हैसियत क्या थी? क्या उस दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि बतौर सिंपल सांसद थे कि इनको बर्खास्त किया जा सकता है? इतनी हिम्मत किसी कांग्रेसी में थी जो उस समय कह देते कि राहुल गांधी तुम्हारी क्या हैसियत है जो प्रधानमंत्री के बिल को तुम उनकी पीसी में फाड़ के फेंक रहे हो? तो ये बात कांग्रेस के सारे लोग जानते हैं कि कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में राहुल गांधी क्या हैसियत रखते हैं, प्रियंका गांधी क्या हैसियत रखते हैं। पद भर तो वो जो जिनको बनाना रहता है मोहरे उनको बना दिया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज, आपने कहा ओबीसी आरक्षण की,
उसके लिए कोर्ट है, आप खुद बता रहे हैं, तो कोर्ट में एक मामला चल रहा है, उस पर मैं कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि मामला कोर्ट में है और सरकार ने अपना पक्ष वहां रख चुकी है। दूसरी चीज, आपने कहा कि राहुल गांधी की यात्रा गैर राजनीतिक थी, भारत जोड़ दो, भारत जोड़ने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, राहुल गांधी की यात्रा के पहले भारत टूटा कहां था? भारत तो अखंड भारत है, एक भारत है। भारत आपके अहिरवार जी अपने मिथुन भाई कह रहे हैं कि भारत जोड़ने के लिए यात्रा की थी, तो भारत जोड़ने के लिए उन्होंने यात्रा नहीं की थी, भारत टूटा कहां था? भारत जोड़ने के लिए यात्रा मुरली मनोहर जोशी ने की थी, जब वो बात कर रहे थे कश्मीर में एक निशान एक ध्वज और एक संविधान की बात की थी। उसके पहले भी भारती जी ने यात्राओं का जिक्र किया, तो मैं ये बताना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जब भी यात्राएं की, एक यात्रा की थी जो जम्मू कश्मीर के लिए की थी, जिसका परिणाम भी निकला है, 370 राज्य हटके और भारत का अभिन्न अंग कश्मीर बना है, तो ये उसी यात्रा की देर थी, वहां से शुरुआत की थी। उस समय भी लोग कहते थे कि ये सिर्फ राजनीतिक एजेंडे के लिए करते। दूसरी, आपने जिन माननीय आडवाणी जी की यात्रा का जिक्र किया, उसमें आपने खुद ने कहा कि उन्होंने कहा था कोर्ट निर्णय लेगा, लेकिन जनजागरण के लिए वो यात्रा थी और आज इतना भव्य राम मंदिर बना। आपने कहा, आडवाणी जी ने कहा हम कोर्ट की बात अस्वीकार करेंगे, ये भाषणों में कहा उन्होंने, आप उन्हें उन्हें भारत रत्न दे रहे हो कि कोर्ट की बात जो अस्वीकार करता है, जो जिन्ना की मजार पे जाकर के चादर चढ़ाता है, आप उसे भारत रत्न देते हो। नाना जी देशमुख जो सिख दंगों को सही ठहराते हैं, आप उसे भारत रत्न देते हो। आप ओबीसी आरक्षण की बात कीजिए ना, आज कोर्ट ने साफ कह दिया हमने नहीं रोका है, कोर्ट ने साफ कह दिया। अब थोड़ी सी शर्म आएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, या अभी भी बेशर्मों की तरह बोलते रहेंगे कि कोर्ट में है, कोर्ट में है, कोर्ट में है? कोर्ट ने साफ कह दिया, जबलपुर हाई कोर्ट ने, हमने कोई बंदिश नहीं लगाई, कोई रोक टोक नहीं रखी हुई है, कोर्ट में अपना पक्ष रख चुकी है और उस चीज पर कोर्ट में ही निर्णय होगा, ये बात मैं कह चुका हूँ। अरे कोर्ट में है ही नहीं, आपके महाधिवक्ता ने गलत तरीके से रखा, आपका आपका कोई जोर ही नहीं चलता आपके लोगों पे, महाधिवक्ता ने कुछ भी कह दिया और ओबीसी वर्ग को लूट लिया, आपका कोई नियंत्रण ही नहीं है। आप तो कोर्ट का बहाना ले रहे हो क्योंकि आपको आरक्षण नहीं देना है, हिस्सेदारी नहीं देना है, भागीदारी नहीं देना है ओबीसी वर्ग को। अभी जो आप बात कर रहे थे और आप लगातार उस बात को झूठ बोले जा रहे हो, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से, पहली महिला मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से। ठीक है राजेंद्र जी, पंडा जी नहीं, यश भारती जी, एक मिनट मैं कुछ कह दूं यहाँ पर। अगर जानकारी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि मैं जानकारी नहीं, जानकारी लेके बोलूंगा। जरा मेरी बात तो सुन लीजिए यश भारती जी, एक मिनट। राजेंद्र जी आप झूठ बोलने के लिए इस्तेमाल, ठीक है राजेंद्र जी, आपके ना ऑडियो में ग्लिच भी है, पता नहीं आप बाकी साथी सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे, लेकिन आपका जो ऑडियो है ना बार बार ब्रेक होकर पहुंच रहा है। मिथुन जी आप तक आवाज आ रही है हम लोगों की? जी नमस्कार, आवाज आपकी ठीक आ रही है, पहले कट के आ रही थी। जी ठीक है। मिथुन जी जरा ये बता दीजिए कि यात्रा की तैयारियों को तो आपने पूरी बात कर दी, पूरा संगठन मजबूती से तैयारी में लगा भी हुआ है, लेकिन क्यों ना इस यात्रा को इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, क्योंकि जो आकलन लगाएंगे वो तो हर प्रोज एंड कॉन्स गिनेंगे ना, कि विधानसभा चुनाव से पहले भी यात्रा निकली, उसने वेव भी क्रिएट किया था, बस भी क्रिएट किया, उसके बावजूद भी वो रिजल्ट आपको वहां नहीं मिल पाया, तो इस बार अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट की उम्मीद क्यों कर रही है कांग्रेस, या क्यों इतना इमोशंस को हाई किया हुआ है? देखिए इसका सीधा सा जवाब यह है कि इस देश में जो लोकतंत्र है, इस देश की जनता में इतनी विजडम है कि विधानसभा और लोकसभा दोनों के चुनाव परिणाम कई बार अलग आते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को 163 सीटें मिली हैं, 2003 में 173 मिली थी मैडम, अभी से ज्यादा, और 2004 में हमने देश में सरकार बना ली थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बन गए थे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने पहली एक विक्ट्री यहां पर हासिल की थी, तो इस समय जब भारतीय जनता पार्टी से जवाब और हिसाब मांगा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी उन पर बात ही नहीं करती, ये राम मंदिर को लेकर के आ जाते हैं। तो हम चलिए उस पर भी पूछ लेते हैं कि राम मंदिर बनाया सुप्रीम कोर्ट ने, चंदा दिया जनता ने, भाजपा ने क्या किया? ये यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कहते थे हमें केंद्र में लाइए, आपके तो राज्य ने लागू कर दिया, तो केंद्र में आकर के क्या आपने किया? आपने कहा था आप 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कहां है भारत? भोपाल की तो स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल रोड बनी हुई है। आपने कहा था आप बुलेट ट्रेन चलाएंगे, व्यवस्थाओं को बदलेंगे, आपने कहा था गरीबी कम करेंगे, आपने कहा था महंगाई कम करेंगे, ऐसा क्यों है कि इस देश में आज 80 करोड़ लोगों को अनाज देने की व्यवस्था आपको करनी पड़ी है, लोग भूखे मर रहे हैं? कोविड में जो आपका मिसमैनेजमेंट है उसको लेकर के आपकी ओर से कोई जवाब नहीं आता। जो व्यक्ति वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा को फर्जी बताता है उसको आपने चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री यहां पर बना के रखा हुआ था। आज देश में जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत
सामाजिक अन्याय लोगों के साथ हो रहा है, आर्थिक अन्याय हो रहा है, राजनीतिक राजेंद्र जी, वो लोग जो दबे कुचले हैं, पिछड़े हैं, कमजोर हैं, उनके प्रतिनिधित्व को लेकर के भाजपा की ओर से कोई मुखर आवाज यदि नहीं आती है। चार मुख्यमंत्री आपने डमी बैठा दिए ओबीसी के, और ओबीसी वर्ग का आरोप आप लोग खा गए, तो इनके न्याय के लिए हमें कोशिशें करनी। ठीक है, मैं तुझे समझ गए राजेंद्र जी, कमेंट आपका। आदिवासियों को रोजाना घसीटने की घटनाएं, इनको लेकर के हम जवाब लगातार मांगते रहेंगे। डमी मुख्यमंत्री थे, अभी मोहन यादव जी डमी मुख्यमंत्री, डमी परंपरा कांग्रेस में है। एक चीज, दूसरी चीज, गरीब पड़ी आंकड़े देखिए, 2 करोड़ से ऊपर लोग गरीबी रेखा से नीचे, पिछले महीने आंकड़े आए हैं आपके चैनल पे डिबेट में, एक बार बात हुई थी, कुछ 2 करोड़ 80 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे बाहर। आज गरीबों को मकान मिल रहा है, पक्का मकान, 10 साल में कितने करोड़ों लोगों को मकान मिल गया, लाखों लोगों को। ये ठीक है रुद्र जी, एक मिनट रुद्र जी, एक फाइनल कमेंट आपसे। घर मिल जाएगा, और ये आत्मनिर्भर बनाने वाले निर्भर बना रहे हैं राशन के ऊपर। 2022 में फाइनल कमेंट देख रुद्र जी, 2022 में सबको घर, और आप कह रहे हैं 100 साल बाद मिलेगा। जो जिस राजनीतिक न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, आर्थिक यात्रा की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो पिछले 10 वर्षों से है, उससे पहले किसकी सरकारें थी, कितना न्याय हुआ है इस देश में, कितनी बार सरकारें गिराई गई हैं, कितनी बार अच्छी खासी सरकारों को गिरा दिया गया, कितने लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत किया गया, ये इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए, सवाल उठाने से नहीं होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मध्य प्रदेश की मार डिबेट में फिलहाल समय इतना ही है, खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप जुड़े रहिए।